गुड मॉर्निंग एवरीवन। कंटिन्यूइंग विद अवर लास्ट लेक्चर, नेक्स्ट जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसे सीडीज भी आप कहते हैं। ये नेगोशिएबल मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है जिसे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू करते हैं। सीडीज जो होते हैं वो इशू आप कर सकते हो इंडिविजुअल्स को, ट्रस्ट कंपनीज को, पेंशन फंड्स को, प्रोविडेंट फंड्स को। जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है वो एक्चुअल में होता क्या है, एक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है डिपॉजिटर्स ऑफ फंड्स के लिए। जो फंड्स हैं आपने बैंक में जमा करवाए हैं एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, उस चीज़ के लिए आपको एक्नॉलेजमेंट बेसिकली मिलती है। जो सीडीज होते हैं बेयरर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, नेगोशिएबल और मार्केटेबल होते हैं। जो बैंक्स और डिपॉजिटर्स हैं दोनों इससे बेनिफिट लेते हैं, क्योंकि बैंक को प्री मेच्योर पेमेंट नहीं करनी है और जो डिपॉजिटर है वो उसे सेल कर सकता है सेकेंडरी मार्केट पर उसकी मेच्योरिटी से पहले। तो ये दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। देन इसका अगर हम सिंपल सा एक एग्जांपल देखें कि सपोज एक पर्सन ने बाय किया 3 मंथ का सीडी जिसकी फेस वैल्यू थी 1 लाख रुपीज बैंक से एट अ डिस्काउंट ऑफ 10,000, मतलब उसे वो मिला कितने में, 90,000 में। आफ्टर 3 मंथ उसको कितना मिलेगा, 1 लाख रुपीज मिलेगा। तो जो ये 10,000 का डिफरेंस है वही उसकी इनकम है सीडीज की। जो आरबीआई ने इसके लिए गाइडलाइंस इशू की हैं वो क्या कहती है कि जो सीडीज हैं वो आप इशू कर सकते हो इंडिविजुअल्स को, कंपनीज को, ट्रस्ट को, पेंशन फंड्स को, प्रोविडेंट फंड्स, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा को। एनआरआईज को आप जो इशू कर रहे हैं सीडीज वो आगे उसे फर्दर इंडोर्स नहीं कर सकते। जो सीडीज हैं फिजिकल फॉर्म में होते हैं और फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। सीडीज डीमैट फॉर्म में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, कोई लॉक इन पीरियड इसमें नहीं होता है और जो बैंक होते हैं वो बायबैक सीरीज को नहीं कर सकते बिफोर मेच्योरिटी। जो इसका पीरियड होता है वो 7 डेज से 1 ईयर तक का होता है और सीरीज हमेशा इशू होते हैं इन मल्टीपल्स ऑफ 1 लाख रुपीज। देन आते हैं आपका नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्राइमरी डेप्ट मार्केट एंड सेकेंडरी डेप्ट मार्केट। इसे हमने वही मीनिंग वही सेम चीज़ रहेगी कि प्राइमरी डेप्ट मार्केट की अगर हम बात कर रहे हैं मतलब वो मार्केट जहाँ पर फर्स्ट टाइम आप डेप्ट को इशू कर रहे हो, जो न्यू इशू आप निकाल रहे हो डेप्ट का, तो उसे हम प्राइमरी डेप्ट मार्केट में डील करते हैं। सेकेंडरी डेप्ट मार्केट में जहाँ पे ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है डेप्ट के उन्हें आप बाय और सेल करते हो तो उसे सेकेंडरी डेप्ट मार्केट कहा जाता है। तो जब हम बात करते हैं प्राइमरी डेप्ट मार्केट की, सिक्योरिटीज़ आप किस किस तरीके से इशू कर सकते हो, आप पब्लिक इशू निकाल सकते हो, ऑक्शन बिडिंग के थ्रू निकाल सकते हो और प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू निकाल सकते हो। और अगर आप इशू कर रहे हो कॉर्पोरेट डेप्ट सिक्योरिटीज़ प्राइमरी मार्केट में तो जो रेटिंग है डेप्ट सिक्योरिटीज़ की वो होनी चाहिए एटलीस्ट 1 गवर्नमेंट अप्रूव्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज से। और जो आपका मेथड फॉलो होता है इस चीज़ के लिए, जो पब्लिक इशू आप निकालते हो उसके लिए पूरी प्रॉपर गाइडलाइंस जो सेबी ने निकाली है उसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। इंडिया में अगर हम देखें तो प्राइमरी डेप्ट मार्केट ज़्यादा एक्टिव है, बॉयंट है, बट सेकेंडरी जो मार्केट है वो उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है। देन वही डेप्ट मार्केट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं होलसेल डेप्ट मार्केट और रिटेल डेप्ट मार्केट में। होलसेल डेप्ट मार्केट हम किस पार्ट को कहते हैं, जहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो बड़े बड़े बिग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जहाँ पे लार्ज इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं। और वो कौन कौन हो सकते हैं, आरबीआई है, गवर्नमेंट है, बैंक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, पेंशन फंड्स हैं, ट्रस्ट सेक्टर होता है। रिटेल डेप्ट मार्केट हम उससे कहते हैं जहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो स्मॉल है, तो इंडिविजुअल, स्मॉल कंपनी, स्मॉल ट्रस्ट वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो उनकी जो फेस वैल्यू होती है ₹100 में होती है और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्हें मिनिमम जो लॉट है उसके लिए बिड करना पड़ेगा जो अप्रूव करता है सेबी। देन इंडिया में हम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो मोस्टली ट्रेड होते हैं वो होलसेल डेप्ट मार्केट में होते हैं। होलसेल डेप्ट मार्केट एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है ट्रेडिंग के लिए इन वाइड रेंज ऑफ डेप्ट सिक्योरिटीज़। तो ये था हमारा प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट डेप्ट मार्केट सेगमेंट में। देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वीकनेसेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है इंडियन डेप्ट मार्केट की। सबसे पहला जो आता है दैट इज़ लेस अवेयरनेस अमंग रिटेल इन्वेस्टर। डेप्ट सिक्योरिटीज़ जैसे ट्रेजरी बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर एक्सेट्रा जो हैं वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है अमंग रिटेल इन्वेस्टर। इंडिया में मेनली लार्ज इन्वेस्टर्स जो हैं जैसे कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स
पेंशन फंड सेक्टर जो है वो ट्रेड करते हैं डेब्ट सिक्योरिटीज में। नेक्स्ट है हमारा कन्फाइंड ओनली टू बिग सिटीज। जो ट्रेडिंग होता है डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में वो डीपली पेनिट्रेटेड नहीं है स्मॉल सिटीज और टाउन्स में। बिग सिटीज में तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन स्मॉल सिटीज और टाउन्स में आपकी जो ट्रेडिंग होती है डेब्ट में वो नहीं होती है। नेक्स्ट इज योर इनएक्टिव सेकेंडरी डेब्ट मार्केट। जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है सेकेंडरी डेब्ट मार्केट में वो कम है। आपने कंपनी ने इशू निकाला नया डेब्ट सिक्योरिटीज का, डिबेंचर्स का निकाला, तो होलसेल डेब्ट सेगमेंट में जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो उसको सब्सक्राइब कर लेते हैं। एक बार उन्होंने ले लिया उसके बाद वो उसे अवेलेबल नहीं करवाते हैं सेकेंडरी मार्केट में सोल्ड करने के लिए। या अगर रिटेल इन्वेस्टर ने भी सपोज ले लिया जो आपका प्राइमरी मार्केट है उसमें से सब्सक्राइब कर लिया इंस्ट्रूमेंट, तो वो भी उसे ये चीज़ पता ही नहीं है कि सेकेंडरी मार्केट में वो उसे बेच सकता है दोबारा से। लेकिन अगर पता भी है तो भी स्टिल उसके बायर्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं होते, तो जो सेकेंडरी मार्केट है वो इनएक्टिव है। नेक्स्ट इज शॉर्टेज ऑफ फंड्स इन डेब्ट मार्केट। इंडियन डेब्ट मार्केट में शॉर्टेज ऑफ फंड्स है। जो फंड्स अवेलेबल है मार्केट में इनएडिक्वेट हैं टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। द नेक्स्ट आता है मोर डिपेंडेंस ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट। मोस्ट ऑफ द कंपनीज प्रेफर करती है कि प्राइवेट प्लेसमेंट रूट के थ्रू वो इशू करे डेब्ट सिक्योरिटीज की रादर देन पब्लिक इशू करने की, क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट अगर वो करती हैं तो उन्हें डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स कम पड़ती हैं, कम जो उन्हें डिस्क्लोज हैं चीज़ें वो करनी पड़ती हैं, इशुएंस कॉस्ट लोअर आती है, फॉर्मेलिटीज कम होती हैं एज कम्पेयर टू पब्लिक इशू। नेक्स्ट जो हमारा आता है दैट इज़ एब्सेंस ऑफ डेवलप्ड मनी मार्केट। इंडियन मनी मार्केट में जो है वो लेस डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज की जो मनी मार्केट है, जैसे लंदन मनी मार्केट या न्यूयॉर्क मनी मार्केट। बिल मार्केट, बॉन्ड मार्केट लेस डेवलप्ड है ड्यू टू अंडर डेवलप्ड मनी मार्केट। और लेस डेवलप्ड मनी मार्केट होने की वजह से जो शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे ट्रेजरी बिल्स हो गए, कैश मैनेजमेंट बिल्स हो गए, कमर्शियल पेपर्स हो गए, उनमें भी ट्रेडिंग कम होती है। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेड सप्लाई ऑफ शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। जो सप्लाई है शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स की जैसे कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स, वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। देन नेक्स्ट डिस्पैरिटीज इन इंटरेस्ट रेट। डिफरेंट सेगमेंट्स जो हैं मनी मार्केट में, जैसे कॉल मनी मार्केट है या बिल एक्सेप्टेंस मार्केट है, हम ऑलरेडी मनी मार्केट का चैप्टर कर रहे हैं, वहाँ ये लिमिटेशन हमने वहाँ भी पढ़ी थी कि डिस्पैरिटीज़ हैं इंटरेस्ट रेट में। डिफरेंट जो सेगमेंट्स हैं मनी मार्केट में डिफरेंट इंटरेस्ट रेट वहाँ प्रिवेल करते हैं, और इसकी वजह से जो इम्परफेक्शंस है डेब्ट मार्केट में वो रिफ्लेक्ट होती हैं। तो वेल इंटीग्रेटेड डेब्ट मार्केट वहाँ पे नहीं है डिस्पैरिटीज़ इंटरेस्ट रेट में होने की वजह से, तो ये भी लिमिटेशन है डेब्ट मार्केट की। इसके साथ जो ये हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।